अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किरणबिहान'schannel। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पाए का सालन। पाए के सालन के लिए हम लोगों ने आधा किलो पाए लिए हुए हैं। अब मैं इनको डी फ्रीज करूँगी। मैंने एक डेक्ची ली हुई है, डेक्ची में मैंने हाफ इसको फिल कर दिया है टैपवॉटर के साथ। अब मैं इसमें फ्रीज पाए डालूँगी। डी फ्रीज होने के लिए 10 to 15 मिनट्स इसको मैं छोड़ दूँगी। अब मेरे पाए डी फ्रीज हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये फ्रीज थे पहले, अब ये डी फ्रीज हो गए हैं। 10 to 15 मिनट्स लगे हैं। अब मैं इनको वॉश कर रही हूँ टैप वाटर के साथ। वॉश कर रही हूँ, इनको अच्छी तरीके से वॉश करना है क्योंकि इसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। आप चाहें तो फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग आटा बोलते हैं, तो वो यूज़ करके आप इनको साफ़ कर सकते हैं टैप वाटर के साथ। तो साड़ते में जो हैं बाल निकल आते हैं, लेकिन मेरे बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, तो मैं इनको टैप वाटर के साथ ही साफ़ कर रही हूँ। छोटे छोटे बाल अच्छी तरीके से निकाल देंगी। अब मैंने कुछ मसाले लिए हुए, मैंने 5 to 6 तेज पत्ते लिए हुए, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा और बादियान के फूल, लौंग और दालचीनी 1 टेबलस्पून। अब ये मैं डाल दूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी जो हाफ के जी मैंने पाए लिए हुए थे, अब वो हाफ के जी पाए डालूँगी। उसके बाद मैंने 5 to 6 लहसुन ली हुई थी और हाफ जो है अदरक ली हुई थी, उसको मैंने ग्राइंड कर दिया था। अब वो मैं इसमें डालूँगी के ग्राइंडर, फिर इसको अच्छे तरीके से घुमाएँ। मैंने ड्राई पाउडर्स लिए हुए, 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ये मैंने साबुत धनिया लिया हुआ है, ठीक है, 1.5 और ये गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून। अब ये मैं डाल दूँगी ड्राई पाउडर्स, ठीक है, सारे इसमें मसाले में, पानी में। उसके बाद मैंने इसमें 3 जो है ऑनियंस लिए हुए, छोटे छोटे 3 ऑनियंस लिए हुए, अब कट करके मैंने ये डाल दिए। उसके बाद इसको घुमाएं अच्छे तरीके से। अब ये एक जग और मैंने लिया हुआ है, पहले मैंने 2 डाले हुए थे, अब मैं एक और ले रही हूँ, ठीक है। तकरीबन इस पर 5 पानी के जग जाएंगे ताकि अच्छे से बने, सूप इसका अच्छा से बने, ठीक है। अब आधा घंटा हो चुका है, 30 to 45 मिनट्स। अब मैं चेक करने आई हूँ तो 1 जग इसमें से जो है वो पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैं इसमें एक और जग डालूँगी, ये जग की साइज 1.5 लीटर इसमें पानी आ सकता है। ये जो जग मैंने आपको दिखाया था, 3 ऑलरेडी मैंने पानी के जग डाले हुए थे, अभी 4th वन डाल रही हूँ पानी का जग। और फिर मैं 30 to 45 मिनट के बाद आऊँगी इसको चेक करने और फिर एक और इसमें जग डालूँगी, फिर इसको छोड़ दें, उसको कवर कर। ऑफ कैमरा मैंने 1.5 जग और डाल दिया था, ठीक है। अब ये पाए का सूप और पाए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप, इट्स रेडी। अब हम एक छन्नी लेके और एक बाउल लेके सूप को निकाल देंगे, पूरा छान देंगे और पाए अलग कर देंगे, सूप को अलग कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब छानने के बाद हम इसमें 1.5 चम्मच जो है ऑयल डाल देंगे, ठीक है, 1.5। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे अदरक और लहसुन, 2 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन, ठीक है। फिर लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद नमक जो आपका अपना टेस्ट हो उस हिसाब से मैंने 1 डाला हुआ है, 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला डाला, 1 टेबल स्पून में इसमें चिली डाल दूँगी, ग्रीन चिली। और फिर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूँगी ताकि ये मसाले जो हैं वो थोड़े से पक जाएँ, कुक हो जाएँ। उसके बाद मैं 1 कप इसमें योगर्ट डालूँगी, दही डाल दूँगी और फिर इसको घुमा के इसको 5 to 6 मिनट्स तक मैं छोड़ दूँगी कुक कर कवर करके चेक करने आई हूँ कि पूरा कुक हो गया है, ठीक है,
पाए डाल दूंगी। फिर इसको मैं 10 टू 15 मिनट्स तक छोड़ दूंगी ताकि ये थोड़ा सा पानी जो है थोड़ा डिसॉल्व हो जाए इन पाव में, और अच्छे तरीके से इसको कुक करके 15 मिनट्स के बाद मैं इसको डिसॉल्व कर दूंगी। अब मैंने डिश आउट कर दिया है, अब मेरे पाए का सालन रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कमेंट और शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।